नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। लॉकडाउन में आपको एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब ये दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि आज से देश भर में लॉकडाउन का पांचवा चरण और इसके साथ ही अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है। अब देश को खोलने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही अब बिहार से 24 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जिससे आप आसानी से अपने जहां भी आपको जाना है वहां जा सकते हैं। आपको बताते हैं कि इसके साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना है और ये स्पेशल ट्रेनें कौन कौन सी होंगी, इसका लिस्ट आपको देते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन सी ट्रेनें आज से खुलने वाली हैं। पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस, पटना रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस, दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक दरभंगा एक्सप्रेस, नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस, नई दिल्ली पटना संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, टाटा नगर दानापुर टाटा एक्सप्रेस, अमृतसर जयनगर जिसको शहीद एक्सप्रेस कहते हैं, अमृतसर से जयनगर सरयू जमुना एक्सप्रेस, पुणे से पटना एक्सप्रेस, अहमदाबाद पटना अजीमाबाद एक्सप्रेस, अहमदाबाद से दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, सूरत छपरा ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, पटना से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, दिल्ली से सहरसा वैशाली एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक से पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार दिल्ली को जाएगी सप्त क्रांति एक्सप्रेस, रक्सौल से दिल्ली सत्याग्रह एक्सप्रेस, अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, पटना से शालीमार दुरंतो एक्सप्रेस। तो ये 24 जोड़ियां ट्रेनें हैं जो अब बिहार से खुलेंगी। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब देश को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। आज से कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए खोल दी गई है, यूँ कह दें तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो गाइडलाइंस दिया जा रहा है MHA के द्वारा उसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको यात्रा करनी है तो आपके फ़ोन में सेतु एप्लीकेशन जो कि MHA के द्वारा गाइडलाइंस में कहा गया था, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। इसके साथ ही मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, तभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाइए। इसके साथ एक और गाइडलाइन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर यात्रा करनी है तो प्लेटफॉर्म पर 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटे पहले जाने होंगे ताकि आपका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाए। थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद ही आपको ट्रेन में बैठने की इजाज़त मिलेगी। इन बातों का ध्यान रखिए, जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी आम जनमानस की भी है, आपकी भी है और हमारी भी है। इसलिए जो भी गाइडलाइन दिया गया है उसको फॉलो कीजिए और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए क्योंकि ये सिर्फ आपके हित के लिए है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फोनेशन। नमस्कार।